नमस्कार, मैं अनुपमा टेक्सटाइल टाइम्स से टेक्सटाइल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लोगों को आम बजट से कई अपेक्षाएं। अकोला के व्यापारियों का कहना है कि इस बेरोजगारी व महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है। सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी व महंगाई की मार बैठी है। कोरोना महामारी से लोगों के रोजगार चल नहीं रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए, जिससे आम लोगों पर बेरोजगारी का संकट बढ़ गया है। हमेशा बढ़ती जा रही महंगाई से आम लोग त्रस्त हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आम बजट में लोगों को अब काफ़ी अपेक्षा हैं। जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं से हमेशा हो रही महंगाई पर अंकुश लगाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। इस वर्ष बेरोजगारी व महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम लोगों को आम बजट से अनेक यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में हमेशा से हो रही महंगाई पर अंकुश लगाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करना चाहिए। इस वर्ष बेरोजगारी व महंगाई आसमान छू रही, जिससे आम लोगों को आम बजट से अनेक अपेक्षाएं। जीवन की केवल तीन बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इन तीनों बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उपयोग में लाना अब आम लोगों के बजट तथा उनकी आर्थिक दायरे से बाहर हो गई है। रोटी, सब्जी से कपड़ा और मकान से लेकर सभी पर महंगाई मार पड़ रही है। पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न की अत्यंत आवश्यकता होती है। दूध व कृत्रिम दूध के दामों में भी वृद्धि देखी जा रही है। कुछ समय पहले अच्छा जीवन यापन किया जाता था, लेकिन अब चूल्हा जलाने के लिए भी काम व मेहनत करनी पड़ रही है। तब भी बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध करने के लिए हाल से बेहाल हो गए। सप्ताह में एक बार बनाए जाने वाले छोटे मोटे पकवान अब केवल त्योहारों के समय ही बनाए जाते हैं। ब्रांडेड कपड़े आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए। दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं में तन ढकने के लिए कपड़े की है। बाजार में रेडीमेड अथवा कपड़ा लेकर सिलाई करना दोनों को महंगा हो गया। रेडीमेड फैशन के इस युग में कपड़े भी बढ़ती महंगाई से अधिक महंगे होते जा रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी के कपड़े तो आम लोगों के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं। उच्च प्रति के कपड़े तो आम लोगों के लिए है ही नहीं, घर निर्माण करना हो गया और भी महंगा। तीसरी बुनियादी आवश्यकता है में रहने के लिए मकान, निवास की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्ष से घर निर्माण करने वाले साधनों की कीमत आम लोगों के लिए घर निर्माण के लिए कठिन होती जा रही है। घर निर्माण करना अब आम लोगों को महंगा पड़ रहा है, और तो और गृह निर्माण लोन के ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे घर निर्माण करना आम लोगों के आपे से बाहर हो गया। इस व्यवसाय पर भी काफी असर पड़ रहा है। घर निर्माण करने के लिए वर्ष का ब्याज दर बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में घर बनाने के लिए जो काफी कर्ज मिलता है उसकी ब्याज दर काफी कम है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज मंजूर होना आसान बात नहीं है। जमीन की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने से प्लांट की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसलिए अब आम बजट अब लोगों ने अपने जीवन यापन व घर कैसे निर्माण करना है, ये सवाल उनके सामने खड़ा हो गया। दिनों दिन हो रही महंगाई से आम लोगों की आवश्यकताएं अब पूरी ना होती दिखाई दे रही है। बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हाल बेहाल हो गए। इस आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हो रहे हाल बेहाल को देखते हुए वित्त मंत्री महोदय ने आगामी बजट में युवकों को बेरोजगारी व आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। युवक बेरोजगारी की मार से त्रस्त हो चुके हैं। इस बार रोजगार से आधे अधिक युवक व लोग बेरोजगार हैं। उनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। कई युवाओं के रोजगार चले गए हैं। अनेकों ने अपने रोजगार व व्यवसाय के साथ हाथ धो लिया है। युवा पर इस लटकती बेरोजगारी की तलवार को हटाना चाहिए।